मुंबई इंडियंस के जीत से पांच टेबल में हलचल मच गई है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस के जो हैदराबाद के खिलाफ जीत मिली है, जो उम्मीद थी मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ में जाने का, अभी भी वह बरकरार है, क्योंकि बड़ी अंदर से जीती है। इसके बाद से तो आरसीबी का राह आसान हो चुका है, तो वहीं एसआरएच के लिए बेहद ही बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, पांच टेबल बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। पूरे डिटेल्स में बात करेंगे अब कैसा है पांच टेबल टाटा आईपीएल 2024 का। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बात करें जो मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया, यह बेहद ही अहम मुकाबला था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ यह मुकाबला इन दोनों टीमों के लिए अहम नहीं था, अन्य टीम जो टॉप फोर में जाने के चांसेस है उनके लिए भी बेहद ही अहम मुकाबला था कि यह मुकाबला मुंबई इंडियंस जीते। और ऐसा ही हुआ है, मुंबई इंडियंस ने एक करारी हार थमाई है हैदराबाद के हाथों में। जी हाँ दोस्तों, 7 विकेटों से हराया है मुंबई इंडियंस सनराइजर हैदराबाद को। और जो पिछली हार मिली थी ना, बड़ा हार मुंबई इंडियंस को हैदराबाद के खिलाफ, उसका भी बदला चुकता कर लिया है। बता दें कि सूर्य कुमार यादव फिर से फॉर्म में आते हुए शानदार शतक ठोक डाले हैं इस मुकाबले में। वो इन्हीं के दम पर मुंबई इंडियंस जीती है, क्योंकि एक वक्त मुंबई इंडियंस का भी हालात सही नहीं था, लेकिन सूर्य कुमार यादव कमाल का पारी से यह मुकाबला आसानी से जीत लिए है मुंबई इंडियंस। इसके बाद पांच टेबल में हलचल मच गई है। इतना हम आपको बता दें कि अब सबसे नीचे मुंबई इंडियंस नहीं है। तो दोस्तों, लेटेस्ट पांच टेबल क्या है, सबसे पहले हम टॉप फोर टीम को देखेंगे। तो दोस्तों, नंबर एक पर बना हुआ है केकेआर। यहाँ दोस्तों, 11 मुकाबले खेलकर 8 जीता है, 3 हरा है और पॉइंट से 16। और केकेआर ऐसी टीम है जो कि लगभग कंफर्म है कि वह प्ले ऑफ में जा चुकी है। इसके बाद नंबर दो पर बना हुआ है राजस्थान रॉयल्स। यहाँ दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स 10 मुकाबले खेलकर 8 जीता है, 2 हरा है और पॉइंट से 16। नंबर तीन पर है चेन्नई सुपर किंग, जो कि 11 मुकाबले खेलकर 6 जीती है, 5 हारी है और पॉइंट से 12। नंबर चार पर है हैदराबाद, जो कि 11 मुकाबले खेलकर 6 जीती है, 5 हारी है और पॉइंट से 12। नंबर पांच पर बना हुआ है लखनऊ सुपर जायंट, जो कि 11 मुकाबला खेलकर 6 जीता है, 5 हरा है और पॉइंट से 12। नंबर 6 पर है दिल्ली कैपिटल्स, जो कि 11 मुकाबला खेलकर 5 जीती है, 6 हारी है और पॉइंट से 10। और नंबर 7 पर आरसीबी है, जहां दोस्तों 11 मुकाबला खेलकर 4 जीती है, 7 हारी है और पॉइंट से 8। नंबर 8 पर पंजाब किंग्स है, जो कि 11 मुकाबला खेलकर 4 जीते हैं, 7 हारे और पॉइंट से 8। नंबर 9 पर है अब मुंबई इंडियंस, जो कि 12 मुकाबले खेलकर 4 जीते हैं, 8 हारे हैं और पॉइंट से 8। और नंबर 10 पर है सबसे नीचे गुजरात टाइटंस, जो कि 11 मुकाबले खेलकर 4 जीते हैं, 7 हारे और पॉइंट से 8। तो दोस्तों, यह है अब लेटेस्ट पॉइंट टेबल टाटा आईपीएल 2024 का। तो दोस्तों, आप बता दें कि अभी भी मुंबई इंडियंस का चांसेस है, लेकिन जितना मुकाबला बाकी है मुंबई इंडियंस का, यहाँ से और 2 मुकाबला बाकी है, उसे बेहद ही बड़ा अंतरों से जीतना होगा, तब 12 पॉइंट होगा। इसके बाद नेट रन रेट पर खेलाएगा, तब यहाँ से जा सकती है। एक तरह से बोले तो मुंबई इंडियंस बाहर हो चुकी है, लेकिन होता है ना, अभी भी सांसें चल रही है मुंबई इंडियंस का, क्योंकि ऑफिशियली रूप से तो बाहर बिल्कुल नहीं हुई है मुंबई इंडियंस अभी। और वहीं आरसीबी के लिए थोड़ा बहुत राह आसान हो चुका है, क्योंकि एसआरएच के एक हार से अब थोड़ा बहुत जो आरसीबी की उम्मीद है और भी बढ़ गया है, क्योंकि एक मुकाबला जो एसआरएच और एलएसजी के बीच होगा, उनमें से कोई ना कोई एक तो हारना ही हारने वाला है। इससे यह पता चल जाएगा कि आरसीबी के पास चांसेस है, अच्छा खासा चांसेस है, लगभग 10-15% चांसेस है कि आरसीबी टॉप फोर में जाए। चेन्नई सुपर किंग के लिए राह आसान हो चुकी है, चेन्नई सुपर किंग सीधा नंबर 3 पर पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी उछाल लगाई है चेन्नई सुपर किंग पांच टेबल में। केकेआर नंबर 1 बना हुआ है, आरआर नंबर 2 बना हुआ है, और इनके स्थान को कोई हिला नहीं पाएगा, हमें ऐसा लगता है। तो दोस्तों, यह लेटेस्ट पांच टेबल था टाटा आईपीएल 2024 का। आपका क्या राय है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।